आपको हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आंवला का अचार बनाऊंगी, बहुत टेस्टी बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह धोकर 5 मिनट के लिए उबाल कर रख लेंगे। उबाल चुकी है, जब तक ये ठंडा होगी तब तक के लिए मैं मसालों को तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर जीरा मिर्च रखी है, यहाँ पर सौंफ रखे हैं, मेथी दाने हैं 1 चम्मच, 4 चम्मच पीला सरसों है। सारे को मैं मिक्सी में रखकर पीस लूँगी। इसको भूनेंगे नहीं, इसी तरह कच्चे ही इसको हम पीस लेंगे दरदरा। मसाला पिसा चुकी है, देखिए यहाँ पर आंवला भी ठंडी हो चुकी है। अब इसको मैं सारे बीज को निकाल लेंगे इस तरह करके। देखिए यहाँ पर बीज के निकाल कर अलग कर दिए हैं। अब इसमें पहले नमक ऐड करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, नमक को मैंने अच्छी तरह से मिला दी है। इससे क्या होती है, नमक मिलाने से अचार ख़राब जल्द नहीं होती है। हल्दी मिलाकर इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अच्छी तरह से मिल चुकी है। हमें कढ़ाई में 150 ग्राम सरसों का ऑयल रखूंगी। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 चम्मच मगरल रखेंगे। इसके बाद अजवाइन 1 चम्मच रखेंगे। इसके बाद 2 चम्मच कश्मीरी मिर्च रखेंगे, 2 चम्मच धनिया पाउडर है। इसके बाद सारे मसाले मैंने यहाँ पर पीस कर रखे थे, उसको मैं इसमें रखेंगे। इसके बाद अच्छी तरह से इसको मिला देंगे। मसाला यहाँ पर पूरी अच्छी तरह से पक चुकी है। अब इसमें मैं इसे 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। मसाला यहाँ पर ठंडा हो चुकी है, अब इसमें मैं आंवला को रखकर अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने पहले आंवले में नमक रखे थे। इसे हम दूसरे बर्तन में रख लेंगे। देखिए यहाँ पर आंवला का परफेक्ट अचार बनकर तैयार हो चुकी है। आप चाहे तो इसमें फिर अलग से सरसों का ऑयल ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं मेरी इसे आप शीशे के जार में भर कर रख सकते हैं और 1 महीने तक खा सकते हैं, ख़राब नहीं होगी। अगर आपको आंवला की अचार पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।